कौमी जज्बा है या हबली है जो यूरोप में उभरा इससे हम वस्ता करते हैं कि नेशन स्टेट्स के बनने से फाइन और जब नेशन स्टेट बनते हैं तो एक नया स्टेट पैर फिरने वजूद में आता है कहने का मतलब यह है कि एक नई अंडरस्टैंडिंग लोगों में डेवलप होती है उनकी पहचान अलग से बनती है उनको एक नया सेंस ऑफ बिलोंगनेस हम कह सकते हैं उनकी जो वाबस्तगी है उनका जो एहसास है जो ताल्लुक का एहसास है वो तब्दील हो जाता है नेशन स्टेट्स के वजूद में आने से इस तरह से हम देखते हैं नई निशानियाँ बनती हैं नए सिंबल्स आते हैं नए आइकन्स बनते हैं फाइन जो कि दूसरों के लिए एक मिसाली सूरत हाल पैदा करते हैं और वो जो बाउंड्रीज़ होते हैं कम्युनिटीज़ की जो हमारे पास मख्त जमातें होते हैं जो बरदरी होती है तो उसके जो दायरा होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ़ एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट और हम ज़्यादा ममालिक में देखते हैं कि जो एक नई हम हाँ, नई पहचान बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म वजूद में आई इसको काफ़ी टाइम लगा ये एक दिन में एक साल में वजूद में नहीं आई बल्कि इसको काफ़ी अरसा लगा अब हमें देखना है कि इंडिया में ये सब चीज़ें कैसे एमर्ज हुई इंडिया में अगर हम और बाकी कॉलोनीज़ की बात करें क्योंकि हमने कॉलोनीजम फेस किया है कॉलोनीज़म क्या होता है जिसमें एक पॉलिसी होती है या कोई अमल होती हैं जिसमें एक मुल्क दूसरे मलक पर सियासी कंट्रोल पाता है और फिर उसको ऑक्यूपाई करता है वहाँ पर सेटल होता है और उसको फिर एक्सप्लायड करता है इकोनॉमिकली उसे हम कहते हैं कि ये कॉलोनी है इस तरह से इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की जैसे बहुत सारी कॉलोनीज़ थी एशिया और अफ्रीका में फाइन जहाँ पर ये कॉलोनीज़ वगैरह थी यहाँ पर जो हम नेशनलिज्म उभरता है इसकी जो वाबस्तगी है वो है एंटी कॉलोनियल मोमेंट से जो कॉलोनीज़म के खिलाफ मोमेंट चली तहरीक चली इससे नेशनलिज्म जो जदीद नेशनलिज्म है वो उभरा इन कॉलोनीज़ में और इंडिया में लोग अपनी जो पहचान है या जो इतिहाद है वो डेवलप करते हैं जब ये कॉलोनीज़म के खिलाफ जद करते हैं क्योंकि उनमें क्या वाबस्तगी क्या थी उनमें क्या जोड़ था वो था सेंस ऑफ बिंग ऑपरेसड कि हमारा जो जालिम है वो एक है दैट इज़ ए कॉलोनियल पावर कि उनको ऑपरेस किया जा रहा है कौन उनको ऑपरेस कर रहा है कॉलोनाइजर्स फाइन और इस तरह से हम देखते हैं कि एक शेड बॉन्ड एक जोड़ इनमें पैदा हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एगेन्स्ट कॉलिज़म और हर कोई जो तबका है हर कोई जो ग्रह है वो असरानंदाज होता है कॉलोज से मुख्तलिफ तरीक़ों से और इनके जो ज, इनके जो तजरुबा हैं जो एक्सपीरियंस है वो मुख्तलिफ थे और इनके जो आज़ादी के मतलब जो नोशंस थे वो भी यकसा नहीं थे जब इंडिया में हम बात करते हैं जब कांग्रेस वजूद में आई एटीन एटी फाइव में फिर महात्मा गांधी के अंडर उन कोशिश की ताकि हम एतहत पैदा कर सकें हम एक मोमेंट बनाए जो मुख्तलिफ ग्रह हैं वो मिलजुल कर इकट्ठे होकर एक मोमेंट लॉन्च करें और एक एतिहाद एक यूनिटी क्रिएट हो जाए लेकिन ये यूनिटी जो क्रिएट हुई इसमें तनाज़ा भी हुआ तनाज़ के बगैर ये नहीं एहतियात कायम हो सका जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से इंडिया नेशनल कॉन्टिन एटी फाइव में वजूद में आया फिर किस तरह से इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी किस तरह से प्रोसेस चली सेपरेट एल्ट्रेट्स के मतलब या किस तरह से मुस्लिम लीग वजूद में आया नाइनटीन जीरो सिक्स में फाइन सो so, मुख्तलि तनजीमें वजूद में आती है जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि नाइनटीन टवेंटीज़ के बाद किस तरह से नेशनल मोमेंट आगे बढ़ी इसमें महात्मा गांधी का क्या रोल रहा नॉन कापरेशन मोमेंट क्या थी सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट क्या थी और किस तरह से कांग्रेस ने डेवलप किया नेशनल मोमेंट को और किस तरह से मुख्तलिफ जो ग्रूह है उनने किस तरह से पार्टिसपेट किया नैशनल मोमेंट में और किस तरह से फिर आखिर में जो कौमी जज्बा है जो नेशनलज़्म है ये लोगों के तखल में कमियत की तरफ बस गया फाइन इस इसने, इसने किस तरह से जो इमेजिनेशन ने लोगों की वो गिरफ्तार की तो ये हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है सो दैट्स ऑल इन दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर थैंक यू वेरी मच